नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमाज खाना में। और आज हम बनाएंगे गोभी के पकौड़े। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, फटाफट बना के तैयार करते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे हमने लिया है पानी, यह हमने गर्म किया हुआ है। इसके अंदर हमने डाल देना थोड़ा सा हल्दी, यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे हाफ चम्मच, छोटी वाली चम्मच से हल्दी। और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक, नमक हल्का सा डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने नमक ऐड कर लिया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे गोभी। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं गोभी को हमने ज़्यादा बड़े नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको हम इसी के अंदर डाल देंगे, ब्लेंच होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे और इसे हम ढक लेंगे कम से कम 10 मिनट, 7-8-10 मिनट। जैसे आप, अगर थोड़ा ज़्यादा मोटा है साइज़ गोभी का तो आप 10 मिनट रखिए, नहीं तो 7-8 मिनट में भी ये रेडी हो जाता है। इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे और हल्दी के पानी में ही इसे हम थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे। चलते हैं आगे मसाले बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने गैस को ऑन किया है और यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। हमने लिया है यहाँ धनिया, साबुत धनिया है 2 चम्मच, छोटे वाले चम्मच से इसे ऐड कर लेंगे। इसी के साथ जो है 6-7 यहाँ पे काली मिर्च देख रही होगी आपको। और यहाँ पे हम 1.5 चम्मच जीरा लिए हैं, साबुत जीरा को एक के साथ थोड़ा सा इसे हमें सौटे कर लेना है, थोड़ा हल्का सा भून लेना है इसे, ताकि अच्छे से खुशबू आने लगे। उस हिसाब से इसे हम भून लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा इसमें से खुशबू आने लगी, हमें बाहर निकाल लेना है और इसे एक दरदरा कूट के मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाला को हमने सौटे कर लिया है, हल्का भून लिया है। इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसे हमें कूट लेना है। आप दरदरा सा कूट लेते हैं इसे। तो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल रख लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है, क्योंकि अभी हमें बैटर बनाया नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल लो रखा है ताकि धीरे धीरे तेल गर्म हो जाए। तो चलिए पहले बैटर तैयार करते हैं। तो बैटर तैयार करने से पहले हमें गोभी को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और इसे हमें छान के बाहर निकाल लेना है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया हो गया, ये पानी को काफ़ी निकाल, अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे और इसे हम किसी बर्तन में यहाँ पे रख लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो जब तक हमारा गोभी जो है ठंडा होगा, उसमें हम बेसन डाल लेंगे। यहाँ पे गोभी के अनुसार हमें बैटर तैयार करना है। तो हम यहाँ 3 से 4 बड़ा चम्मच बेसन ले लेंगे। यहाँ पे हमने ये 4 चम्मच बेसन ले लिया है। थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, लगभग 1/2 चम्मच। इसमें हम डाल देंगे क्रिस्पी होने के लिए चावल का आटा। तो हमें इसमें चावल का आटा कम से कम 1 से 2 चम्मच ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लगभग 2 चम्मच चावल के आटा डाल लेते हैं। चम्मच हमारा बड़ा है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच और फिर से 1/2 चम्मच डाल देंगे। इससे हमारा पकौड़ा क्रिस्पी बनेगा। हमने यहाँ पे 2 चम्मच जो है डाल लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे हमने जो मसाला तैयार किया था उसे। ये देखिए कूट लिया है हमने दरदरा, इसको डाल देंगे। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अदरक, लहसुन और 1 हरी मिर्च, यहाँ 7 से 8 कलियाँ लहसुन का है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक है, और यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्च को कद्दूकस कर लिया है। इसे हमने इसे कूट लिया था और मैं इसको अंदर डाल देती हूँ। ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया है। इसमें हम थोड़े से डाल देंगे कलर, हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे, ऐसे भी वो पीला है। इसमें हमने बिल्कुल 1/2 चम्मच हल्दी छोटे वाले चम्मच से डाल लिया है। तो 1 हरी मिर्च डाला है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे 1/2 चम्मच जो है लाल मिर्ची पाउडर यूज कर रहे हैं। ये क्या है, हमने कलर के लिए ऐड किया है। बिल्कुल ये देगी लाल मिर्च है, ये तीखा नहीं होता। इसमें थोड़ा सा सुंदरता के लिए आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने कूटा हुआ लाल मिर्च लिया है, चिली फ्लेक्स से थोड़ा सा 1 चम्मच हमने डाल दिया है। वही है जो हमने पिज़्ज़ा में जो हम लोग ऐड करते हैं, ये सारी सामग्री हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से साफ धो ले और उसे हम क्रश करके लगभग 1 से 1/2 चम्मच हमें इसमें ऐड कर लेना है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए खाने वाला मीठा सोडा,
तो यहाँ ज़्यादा नहीं डालना, 1 से 2 पिंच डालना है। ये क्या है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं करेगा पकौड़े को, थोड़ा सॉफ्ट रखेगा, क्रिस्पी तो होगा बट थोड़ा अंदर से ये सॉफ्ट रखेगा। अब हमें इसका बैटर तैयार करना है। इससे पहले हमें स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेना है। यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार ऐड करें। और अब हम इसे पानी डाल के बैटर रेडी कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को पानी डालते हुए हमें एक बैटर तैयार कर लेना है। पहले थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और आधा कप लगभग हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। यहाँ पे एक बैटर तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे और यहाँ पे बैटर रेडी हो जाएगा हमारा। हमें ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नॉर्मली बैटर तैयार करना है। आधा कप हमने पानी इसमें ऐड कर लिया है, थोड़ा पानी और लगेगा, लगभग 1 कप पानी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अभी इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप पानी यूज़ किया है और मस्त हमारा बैटर बन के रेडी है। ये देखिए, ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं है। यहाँ पे हम इसमें गोभी डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम इसमें गोभी डाल लेते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया, इसे हम डाल लेंगे और फटाफट क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप मिर्ची नमक चख के देख सकते हैं, कम हो तो डाल लें। तो तेल को हमने लो फ्लेम पे किया था, अब हमने मीडियम कर लिया है। थोड़ा सा चेक करते हैं, तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा लो कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया है इसी के साथ गोभी को मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे हाथ से यूज कर रही, आप चाहे तो यहाँ चम्मच यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फटाफट मस्त वाला पकौड़ा बन के तैयार होगा। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखें और लीजिए हमारा मस्त पकौड़ा बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है गोभी डाल दिया है, बहुत अच्छे से थोड़ा सा टर्न करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये पीछे नीचे से जो है पक जाए, थोड़ा सुनहरा देखिए, तभी से हम टर्न कर लेंगे। पकौड़े एक साइड से जो है अच्छे से यहाँ पे ब्राउन दिख रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा हल्के हाथों से टर्न कर लेंगे। हल्के हाथों से ही करेंगे। यहाँ पे देखिए मस्त पकौड़ा हमारा रेडी हो रहा है। फ्लेम को हमने लो नहीं किया हुआ है, बिल्कुल मीडियम साइज़ पे है। तेल को अच्छे से गर्म होने पे ये फ्राई करें, नहीं तो तेल गोभी जो है तेल पी लेगा, क्योंकि बेसन है, बेसन जो है बहुत तेल सोखता है, इसलिए तेल को अच्छे से गर्म करें। तो यहाँ पे सारे पकौड़े बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं और बढ़िया मस्त लग रहे हैं देखने में भी, उतना ही स्वादिष्ट बना हुआ है ये। तो फटाफट मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, बाकी के बैच में फिर से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमने फटाफट यहाँ चाय के साथ नाश्ते में गोभी पकौड़ा बना के रेडी कर लिया है और हम जा रहे हैं इसका लुफ्त उठाने। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, इस ट्रिक के साथ बनाए खाए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। कमेंट करना नहीं भूले। सर्दियों के मौसम में पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और आपको फ्रेश फ्रेश गोभी भी मिलेगा। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।